फंक्शन के लिए मैं सनी को मेरा दोस्त है और लास्ट टाइम मैंने इनका BCL किया था जिसमें इन्होंने मुझे 250 एक्टर में बेस्ट एंटरटेनर का अवार्ड दिया था और इज्जत दी थी तो जो भी मुझे इज्जत देता है मैं उसको हमेशा याद रखता हूं और आज इन्होंने मुझे यहां बुलाया तो मैं इनको विश करने आया हूं कि इसी तरह खूबसूरत लड़कियां यहां पे आएंगी अभी और सब एक से एक सेक्सी सेक्सी लेडीज़ तो उनको विश करने आया हूँ उसमें मेरी दोस्त भी है सारा खान तो सारा भी अच्छी लग रही है उसमें हमारी कुछ भाभियाँ भी है हमारी कुछ दोस्त की बीवियाँ उनको भी विश करने आया हूँ और बस यही है कि ये कैलेंडर हमेशा हर साल बनता रहे और आप लोग भी आते रहे हम भी आते रहे सर भाई जिस भी पार्टी में आप जाते हो एक मज़ा एक मस्ती छा जाता है क्या कहना चाहेंगे इस बारे में इस बारे में यही कहूँगा कि बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे और अच्छाइयों ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया अच्छा ऐसा हमने आमतौर पर देखा है बॉलीवुड के एक्टर को लेकर एक्ट्रेस को लेकर कैलेंडर मतलब टेलीविजन के एक्टर को लेकर कैलेंडर मतलब उसको क्या कहना चाहेंगे यार मेरा एक ही मानना है कि सिर्फ एक्टर होता है टेलीविज़न एक्टर या फिल्म एक्टर या गुजराती एक्टर तेलुगु एक्टर ये सब नहीं होता एक्टर सिर्फ एक्टर होता है और हमारे हिंदुस्तान में बस ये जितनी जातियाँ हो गई है उतने ही वो सब हो गए लोगों के हम हिंदुस्तानी अपने आप को इंडियन कहने लगेंगे तो अच्छा होगा और एक्टर हो वो एक्टर समझा चाहिए क्रिकेटर को क्रिकेटर समझा चाहिए अभी एक्टर एक्टर होता है और ये लोग जो लड़कियां लेके कर रहे हैं अभी ऑफकोर्स इनका भी बजट आएगा कैटरीना कैफ को लेके भी बनाएंगे कैलेंडर अभी फिलहाल यहीं तक है सीमा तो ये अच्छा बना रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और अब्रॉड जाके शूट कर रहे हैं आप बहुत दिल से कहीं भी जाते हैं बहुत दिल से रहते हैं क्या कहना चाहेंगे इस बारे में तो कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती है क्या 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 क्या, क्या कहेंगे आप भाई मैं उनसे यही कहूँगा कि मेरे दुश्मनों मेरी किस्मत से जलना छोड़ दो मैं घर से दवा नहीं माँ की दुआ लेके निकलता हूँ और मैं तो वो हूँ मेरी खुशियों के लिए भी दुआ मत करना क्योंकि मैं खुशियाँ भी बांट दिया करता हूँ तो यार देखो यहाँ पे बच्चों को क्या सिखाया जाता है हम क्या सिखाना चाहते हैं ऑनेस्टी है ना बी ऑनेस्ट सच्चाई जब कोई सच बोलता है तो उसको झेल ही नहीं पाता आदमी जैसे आप फर्ज कर लो आप बोलेंगे किसी को कि भाई किसी को आपने काम पे रखा उसको बोलेंगे नौकर को बोलेंगे झूठ मत बोलना हमेशा सच बोलना सच ही रखना वो सच बोलेगा कि साहब मैं लास्ट टाइम मैंने एक घर में चोरी किया था लेकिन वो मैं तकलीफ में था मालिक मुझे बहुत प्रॉब्लम दे रहा था इसलिए मैंने उसके 500 रुपये चोरी किए थे उसकी सच्चाई के लिए तुम उसको निकाल दोगे या साले चोरी किया था वहाँ पे मेरे यहाँ भी करेगा बल्कि ये नहीं देखोगे कि ये सच बोल रहा है कि साला मैंने 500 रुपये चोरी किया था सर क्योंकि वो मुझे तकलीफ दे रहा था तो सच का यहाँ पे बोलबाला नहीं है भाई सच्चे आदमी को लोग दूर रखते हैं झूठों को आसपास रखते हैं भाई क्या लग रहा है भाई अरे भाई क्या है भाई अरे भाई तुम ऐसे अरे तुम वैसे भाई तुम क्या सबसे पहले मेरे आसपास तुमको कोई दिखेगा ही नहीं कभी भी किसी भी पार्टी में देख लो क्योंकि सच्चे मिलते नहीं है और झूठे टिकते नहीं है बड़े खड़े छोटे बैठे आलिम के फैसले जालिम कर रहे समझे पंडित भूखे मर रहे और गधे गुलगुले खा रहे भाई मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट इसमें कोई भी नहीं है मैंने बिग बॉस देखा भी नहीं सीरियसली लोग मुझे ट्विटर पे फेसबुक पे लिखते रहते हैं इजाज़ भाई आप जाओ जाओ मैंने बोला देखो यार हर बार जाके मैं इनको बचाऊंगा वो बचा लेता उसके बाद देखो बचाने वाले को आदमी पहले भूल जाता है